अगेन आपके पास y प्राइम आ गया, y t बाय डी एक्स और y प्राइम और f प्राइम, ये सारी एक ही चीजें डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करती हैं। आपको y गिवन है, हमने एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के ऊपर वो वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 1 है। तो सबसे पहले हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे y प्राइम एट x, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव अलग, इसका अलग और इसका अलग। 5 कांस्टेंट बाहर आ गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 3 बाहर आ गया कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव 1 और 0 का 1 का डेरिवेटिव 0। इसको सिंपलीफाई करेंगे तो वी गेट 10x माइनस 3। उन्होंने पूछा है कि y प्राइम एट 1, तो अब यहां पे x है, एक्स की जगह पे हम 1 पुट कर देंगे, जहां जहां एक्स होगा इस फॉर्मूले के अंदर वाई प्राइम 10x माइनस 3 में x की जगह पे 1 पुट कर दें, सिंपलीफाई कर दें। 18 को आप पहले सिंपलीफाई कर देते हैं क्योंकि हमें अभी क्वेश्चन रूल का नहीं पता। x इस पे भी डिवाइड होगा और इस पे भी, तो इसके ऊपर डिवाइड किया और इसके ऊपर डिवाइड किया, हमारे पास x जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर माइनस 1 है, x पावर 3 और 2, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे माइनस 1। जब बेसिस सेम होते हैं पावर्स हम ऐड कर देते हैं, तो हमने एक बेस लिया और पावर्स को ऐड कर दिया, 3 ओवर 2 माइनस 1 प्लस 2, इस x को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर इज x टू द पावर 1 ओवर 2 एंड दिस इज एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव लें, x टू द पावर 1 ओवर 2 का डेरिवेटिव 1 ओवर 2 x पावर 1 ओवर 2 माइनस 1 और इसका डेरिवेटिव 2 इज अ कांस्टेंट, माइनस 1 एज अ कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर में से एक माइनस कर देंगे, सो यू गेट दिस थिंग। इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई कर दें यू गेट दिस थिंग। अब जहां जहां x है इस फॉर्मूले के अंदर वहां पे आप 1 पुट कर दें और इसको सिंप्लीफाई कर दें, 1 ओवर 2 माइनस 2 गिव्स अस माइनस 3 ओवर 2।